गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रामर सेक्शन में वॉयस के बारे में, और उसमें हम देखेंगे कि जो इंग्लिश में होता है वॉयस, वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट को कहते हैं एक्टिव वॉयस और सेकंड होता है पैसिव वॉयस। यहाँ आपको बताया जाएगा कि एक्टिव वॉयस से पैसिव वॉयस में कैसे चेंज करते हैं, उसके रूल्स के बारे में। तो सबसे पहले तो हमको एक्टिव वॉयस में समझना होगा कि एक्टिव वॉयस में सेंटेंस कैसे होते हैं। यहाँ एक्टिव वॉयस में रूल्स होता है, सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट इनडेफिनिट पढ़ेंगे। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। अब एक्टिव वॉयस में प्रेजेंट इनडेफिनिट के क्या रूल्स होते हैं, इसमें हम जानते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और देन ऑब्जेक्ट होता है। ये रूल्स होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा। और सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब होगी, जब ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर में होगा, सिंगुलर नंबर में होगा तब यहाँ हम वर्ब में यस या ईएस यूज करेंगे, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर में होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ ये सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस या ईएस यूज करेंगे। ये तो रूल्स हो गए एक्टिव वॉयस के। फॉर एग्जाम्पल, सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर, ये जो हमारा सेंटेंस है ये एक्टिव वॉयस में है। अब इसको चेंज करना है पैसिव वॉयस में, तो पैसिव वॉयस में चेंज करने के रूल्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। सपोज कीजिए हमारा पहला सेंटेंस है सी राइट्स अ लेटर, इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉयस में। पैसिव वॉयस में चेंज करने के लिए सबसे पहले रूल्स इसका लिखेंगे। रूल्स इसका क्या होता है, जब सेंटेंस एक्टिव वॉयस में होता है उसको पैसिव वॉयस में चेंज करने के लिए सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अ लेटर है। ये हो गए रूल्स, ऑब्जेक्ट प्लस, अब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब इज आर एम यूज करते हैं। इज आर एम, देन ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम, उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम पैसिव वॉयस में, और देन हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसको हम ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज करेंगे। ये हो गए रूल्स पैसिव वॉयस के। अब इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे तो इसमें देखेंगे कि हमारा नया जो सब्जेक्ट है, यानी कि नया सब्जेक्ट यहाँ हमारा जो आ रहा है वो क्या है। अ लेटर जो है हमारा नया सब्जेक्ट होगा, क्योंकि एक्टिव वॉयस सेंटेंस में अ लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट था, तो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ किया तो ये यहाँ आके हमारा नया सब्जेक्ट हो जाता है।
तो इसको लिखेंगे अ लेटर, अ लेटर। अब अ लेटर हमारा नया सब्जेक्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट हम यूज करेंगे इज आर एम, और इस आर एम में से देखेंगे कि ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम इज यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल है तो आर यूज़ करेंगे, और यदि आई है तो हम एम का यूज करते हैं। तो हमारा जो अलेटर है वो सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हम यूज़ कर दिए अलेटर इज। उसके बाद से देखेंगे कि इसमें वर्ब क्या है। वर्ब जो है ये राइट्स है। अब राइट्स का जो है वो थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं हम, तो अ लेटर इज रिटन, रिटन। उसके बाद से हम बाय लिखेंगे, और बाय के बाद हमारा जो नया यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अ लेटर इज रिटन बाय सी है, तो सी के लिए हम हर का यूज करते हैं। तो ये चेंज हो गया, सी राइट्स अ लेटर को चेंज हमने कर दिया, अ लेटर इज रिटन बाय हर, और ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस में, ये पैसिव हो गया। अफर्मेटिव के पैसिव का जो रूल्स होता है, यहाँ तो लिखा ऑब्जेक्ट गया है लेकिन एक्चुअली में ये जो है वो सब्जेक्ट है। ये समझने के लिए अलेटर की, यहाँ एक्टिव में ये अलेटर ऑब्जेक्ट है तो इसलिए यहाँ आया है, तो यहाँ आके ये सब्जेक्ट हो जाता है। ने बस इसको ऑब्जेक्ट लिखा है समझने के लिए, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब न्यू सब्जेक्ट वी यूज इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, देन हमारा जो नया ऑब्जेक्ट होगा वो हम यहाँ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा अ लेटर इज रिटन बाई हर। ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद से हम पढ़ेंगे निगेटिव। इसी टेंस में निगेटिव के रूल्स क्या होते हैं। यहां देखेंगे निगेटिव, अब निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले एक्टिव में देखेंगे सेंटेंस कैसे होते हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा प्लस प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में डू आर डज का यूज करते हैं, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे देन ऑब्जेक्ट। अब डू डज का यूज कैसे करते हैं, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर में होगा हम डज का यूज करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में होगा हम डू का यूज़ करेंगे, और सिंगुलर हो या प्लूरल हम दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं एक्टिव वॉइस में। यदि हमको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो जैसे इसका कोई सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल सी डज नॉट राइट अ लेटर, ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। यदि हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए रूल्स जो होता है वो ये होता है। इसमें भी रूल्स वैसे ही, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्ट को हम यहाँ ले आ दिए। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे इज आर एम का पैसिव वॉइस में, is आर एम प्लस, चूंकि सेंटेंस निगेटिव है इसलिए नंबर आता है नॉट का, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस by प्लस सब्जेक्ट। ये एक्चुअली में सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट होता है, बस समझने के लिए यहाँ ये सब्जेक्ट लिखा गया है। अब हम, ये हमारा पैसिव का रूल्स है, और पैसिव के रूल्स में अब इसको कन्वर्ट करेंगे सी डज नॉट राइट अ लेटर
इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले हमारा जो नया सब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा अ लेटर। अ लेटर अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे इज आर एम का, तो हो जाएगा इज। अ लेटर इज, देन नॉट लिखेंगे। उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट है, राइट रोट रिटर्न होता है, तो यहाँ हमने लिख दिया रिटर्न। सी इज नॉट रिटर्न, सॉरी अ लेटर इज नॉट रिटर्न बाई हर। ये हमारा चेंज हो गया पैसिव वॉइस में। अफर्मेटिव रूल्स को एक बार दोबारा रिपीट कर लेंगे। अफर्मेटिव वॉइस में जो पैसिव वॉइस का रूल्स होता है वो ऑब्जेक्ट होगा प्लस इज आर एम होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी बाई होगा फिर ऑब्जेक्ट होगा, और नेगेटिव में ऑब्जेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट इज आर एम होगा फिर नॉट लिखेंगे फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई फिर हमारा नया ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह से सी डज नॉट राइट अ लेटर को पैसिव वॉइस में चेंज किए तो अ लेटर इज नॉट रिटन बाई हर हो गया। ये है आपका अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। बाकी के आगे के रूल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। थैंक यू।